हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। गाइस, देखेंगे जुलाई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आप किस ऊर्जा में रहेंगे, माइंडसेट आपका बेसिकली कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, ठीक है, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी इस महीने, और आप किन चैलेंजेस को बेसिकली फेस कर सकते हो और क्या गाइडेंस है। और यस, इससे पहले कि आपकी रीडिंग को स्टार्ट किया जाए, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ गाइस, इस बार मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। मुझे बहुत ज़रूरी कोई काम पड़ गया था जिस वजह से मैं रीडिंग्स नहीं बना पा रही थी, और उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आपसे, और उम्मीद करती हूँ आप माफ़ भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन यह सब मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये आपको बता दूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे, कनेक्ट हो, तो जितना हो वो लें, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा गाइज। अगर आप सच्ची में इस रीडिंग से कनेक्ट होना चाहते हो तो थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें, और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको बेसिकली दिए जाने वाले हैं ना, आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी कि वो मैसेज कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, उन मैसेजेस को वहाँ लें, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है, किस ऊर्जा में रहेंगे। गाइज देखिए, पता है शफलिंग को ना टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं निकालती हूँ जब तक डिवाइन मुझे नहीं बोलेंगे ना कि अब कार्ड निकालना है, मैं नहीं निकालती हूँ। तो मैं बोल तो देती हूँ कि अगर आपको स्किप करना है, इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि मैं धीरे नहीं कर पाऊँगी, मैं स्पीड से नहीं कर पाऊँगी। और अगर आप उस पार्ट को स्किप भी कर देते हैं, कई बार क्या होता है, कोई मैसेज चैनल हो रहा होता है उस वक्त, तो मैं वो भी बोल देती हूँ, ठीक है। तो अब ये कोई गारंटी नहीं है, अगर आप मिस कर जाओगे चैनल मैसेज तो वो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड करे वो कीजिएगा। ओके, यहाँ पर मुझे कुछ नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में, यहाँ पर कोई स्पिरिट प्रेजेंट है, या कोई स्पिरिट प्रेजेंट है यहाँ पर। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच एक्वेरियस कुंभ राशि, किस ऊर्जा में रहने वाले हैं जुलाई मंथ में। प्लीज़ माँ बाबा गुरु जी डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। सौरो, क्या बात हो गई, माइंडसेट। ओके, इंटीग्रेशन, ये है टेम्परेंस का कार्ड। ओके जी, लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। द बर्डन, करियर, आउटसाइडर, क्या कर रहे हो एक्वेरियस। हेल्थ, फ्लावरिंग, ओके, स्ट्रेस, ये मैं एडिशनल लेने वाली हूँ। इनोसेंस मैं इसके साथ ही रखूंगी। मैच्योरिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी,
ये तो चैलेंज बनेगा ही आपका, ग्राउंडेड नहीं हो आप ये महीने बिल्कुल भी एक्वेरियस। मूवमेंट टू मूवमेंट, या ये आपके लिए गाइडेंस है, तभी ये हाल हो रहा है आपका। और बॉटम ऑफ द डेक है हीलिंग। लेट्स सी, थैंक यू माय बाबा। लवर्स का कार्ड रिवर्स में आया है, ओके। और गिरा भी यहाँ पर, चलिए देखते हैं। थैंक यू माँ बाबा, प्लीज गाइड कीजिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा ओके, क्या बात है, अपने आप आपके लिए कार्ड्स निकल रहे हैं भाई। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एकदम से हैवी ऊर्जा क्यों हो गई। हालांकि मैंने पहले वाला किया है रीडिंग, उसमें बहुत अच्छी ऊर्जा थी। ओके जी, रिश्ते कैसे रहेंगे लव लाइफ में। द लॉर्ड ऑफ शेडो, ये है डेथ कार्ड। करियर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड लेना है, सॉरी। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, सिक्स ऑफ कप्स। अच्छा, जो सबसे पहले आपके लिए मैसेज आ रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। भाई आप ना ये महीने बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में, परिवार भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए परिवार है, पैसा है, कुछ लोगों के लिए करियर है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। या तो पास्ट की ऊर्जा को लेकर के कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। अभी जो चल रहा है ना, मतलब जो सिचुएशंस चल रही हैं, या फिर जिस चीज़ की आपको सिचुएशन अभी की तो नहीं मैं बोलूँगी, कहने का मतलब ये है कि आपका दिमाग ही बहुत ज़्यादा चल रहा है। मुझे पता है जिनके साथ ये एनर्जी मैच हो रही है ना, जिनकी ये हालत है, वो बहुत अच्छे से ईजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे इस रीडिंग को। मुझे कोई इशू नहीं है यहाँ पर, उनको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे या परिवार, मतलब जिसे कहते हैं ना कि परिवार का पालन कैसे करना है बेसिकली, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। अच्छा, मैं ये बता दूं कि अभी की स्थिति आपकी कोई बुरी तो नहीं है, बुरी स्थिति मुझे नज़र नहीं आ रही है कि आप फाइनेंशियली बहुत सफ़र कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपकी सोच ऐसी हो रही है। यहाँ पर देखो, हालांकि यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, बट ये आपकी सोच की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारी ऊर्जा आपकी सोच की है कि आपके पास अच्छा खासा है भी ना, अगर मतलब ठीक ठाक भी है तो भी आपकी सोच कहाँ जाती है कि भाई मेरे पास तो ये चीज़ ख़त्म ही हो जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, मेरे परिवार को कैसे हैंडल करूँगी, या फिर मैं किस तरीके से उनको आगे लेकर जाऊँगा, समझो। मतलब उस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करते रहना, बेवजह से सोचते रहना, जिस वजह से जाना आप अपने ऊपर बड़ा सारा स्ट्रेस इकट्ठा कर रहे हो। ये महीने बहुत प्रेशराइज कर रहे हो अपने आप को, बिना बात की सोच मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, सच्ची बताऊँ यहाँ पर तो, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आपकी ऊर्जा आई, आपकी ऊर्जा आई कि सोच सोच के इतना, मतलब अपनी प्रॉब्लम अपने आप को इतना लोअर वाइब्रेशंस में लेकर के जा रहे हो ना, ओवर थिंकिंग, अपने माइंड को इतना फोगी बना रहे हो, बिना बात के नेगेटिव एनर्जीज में डूबते जा रहे हो, इस ऊर्जा से बाहर आओ। जो है, जितना है, जितना डिवाइन ने दिया है, देखो इस सोच से क्या होगा ना, ये लेक मेंटेलिटी है, ये बिना बात की, जिसे कहते हैं कि बस सोचते जाओ कि हाँ
ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपने रिसेंटली कुछ ज़्यादा खर्चा किया है या आप कर रहे हो, उस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो कि ये मैंने क्या कर लिया। ओके, एक बार यहाँ पर बता दूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर ना आपके लिए इंटीग्रेशन का भी कार्ड है और फाइव ऑफ वांड्स की एनर्जीज है, ठीक है, जो कि बता रहे हैं देखो जो हो गया वो ना हो गया, ठीक है। चाहे आप पास्ट को लेकर के सोच रहे हो, चाहे आपकी कोई गलती हुई है आपसे, कोई उस चीज़ को लेकर के सोच रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा कहीं ज़्यादा खर्चा कर दिया, ओवर स्पेंड कर दिया, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं भे पहले, जो भी चीज़ है आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। आपको बोला जा रहा है देखो नेगेटिव सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा, नेगेटिव सोचने से आप अपने आप को कैद कर लोगे, किस चीज़ में अच्छी चीज़ों की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना ही अच्छी चीज़ों को ब्लेसिंग्स को आप अपनी तरफ ले पाओगे। ओके, आप ऐसे अटक जाओगे ब्लेसिंग्स, वहाँ देख रहे हो रेनबो कलर्स है, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है, ये आपकी सोच है, आपके थॉट्स हैं, आपका माइंडसेट है, तो आपने बस इसमें अपने आप को बंद कर रखा है और दूर से देख रहे हो इतना अच्छा सब कुछ, वो ब्लेसिंग्स है मेरे लिए, डिवाइन ने रखी हुई है, लेकिन कैसे आएंगी, आएंगी कि भी नहीं आएंगी, मैं लायक हूँ कि भी नहीं हूँ, समझ रहे हो। मे बी ये ना आपके चाइल्डहुड से ऐसा एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया गया, क्योंकि हम जब छोटे होते हैं ना तो बचपन में हमारे जो बड़े होते हैं वो हमें इस तरीके से बताते हैं भाई पैसे जो हैं पेड़ों पे नहीं उगते हैं, ठीक है, थोड़ा संभल करके खर्चा करो, अपने चादर देखकर पैर पसारो, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक माइंडसेट वैसा हो जाना, एक वैसी मेंटेलिटी हो जाना, मतलब आपका ना बेसिकली देखा जाए तो मनी के साथ, पैसों के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है। संबंध क्यों कहूँगी अच्छा नहीं है, देखो संबंध अच्छा होगा ना तो वो स्टेबल रहेगी, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी इशू नज़र आ रहा है मुझे। मनी आती तो है, रुकती नहीं है, चली जाती है, खिसक जाती है, ठीक है, और फिर और आती भी है ना तो आपकी सोच भी ऐसी हो जाती है तो वो यूं ही निकल जाती है, ठीक है। तो इस माइंडसेट से बाहर आओ, मनी के साथ अपने रिश्ते को इम्प्रूव करो। ऐसे ही आप एफर्मेशन आप दे सकते हो कि मनी जो है ईजिली मेरी तरफ आती है, पैसा मेरी तरफ ईजिली खींचा हुआ आता है, मैं पैसे से प्यार करता हूँ, ठीक है, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। ओके, इस तरह के एफर्मेशंस दो कि मेरे लिए पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। ओके, इस तरह के एफर्मेशंस दो, मतलब इस तरह की मेंटेलिटी से आप बाहर आओ। मैं ये नहीं कह रही कि तुरंत ये एफर्मेशंस देने से वर्क हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा रूट कॉज है, जड़ में गया हुआ है आपके, तो इससे इसको हील होने में वक्त लगेगा, बट अभी स्टार्ट करोगे तो काम करना स्टार्ट होगा ना। और बाकी डिपेंड करता है आपकी, आप कितनी ऊर्जा दे रहे हो, आप कितने पॉजिटिविटी के साथ और कितने विश्वास के साथ उस काम को कर रहे हो, उस एफर्मेशन को बोल रहे हो, ये भी बहुत मायने रखता है, राइट। तो ये आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ना थोड़ा इम्बैलेंस हो ये महीने, मतलब बैलेंस में नहीं हो, आपकी ऊर्जा बैलेंस में नहीं है, आपका दिमाग आपके साथ नहीं दे रहा है, आपके अंदर बहुत खिचड़ी पक रही है, बहुत कुछ चल रहा है दिमाग के अंदर। तो डिवाइन कह रहे हैं बैलेंस करो अपनी ऊर्जा को, ठीक है, तभी आप सही डिसीजंस अपनी लाइफ में ले पाओगे, तभी आप अपने लाइफ में सही चीज़ों को सही मायने में आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। यहाँ पर मुझे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी दिख रही है, खासकर इस समय आपका माइंड पावर। मैं एक्वेरियस आपको बोलना चाहूँगी कि आप वैसे भी एयर साइन हो, तो आपका जो माइंड है ना उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि आप जितनी जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो ना बुराई को, जितना आप बुरा सोच करके उसको अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी जीवन में, उतनी ही जल्दी आप खुशियों को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। बस आपको ज़रूरत है तो उस पर काम करने की। ये देखो ये रेनबो है ना, ये ब्लेसिंग है, कहाँ से आ रही है, देख रहे हो आपके क्राउन चक्रा से, कि आपको ऐसी एफर्मेशंस, ऐसी वाइब्रेशंस आपको यूनिवर्स में भेजने की ज़रूरत है अपने माइंड से, ताकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो पाएँ। और वो पावर है आपके पास, लेकिन वो होगा कब ना, जब आप बैलेंस करोगे अपने आप को। जब आपका माइंड ही बैलेंस में नहीं है तो फिर तो आप यहीं तक ही बस घूमते रह जाओगे ना इसी लूप में। ये दिख रहा है ये स्नेक, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके जीवन में, ये जो आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, आपका आपकी बुद्धि आपको घुमा देती है ना, इतना सोच सोच करके ये जो आप घूम जाते हो, अरे मेरे जीवन में क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे कभी कहते हैं, हमने सुना है, पंडित बोलते हैं, टैरो कार्ड रीडर बोलते हैं, पैसा आएगा आएगा, आता तो है, रुकता कहाँ है। और कुछ लोगों का तो ये भी आता कहाँ है, समझ रहे हो। पहले अपने आप को बैलेंस करो, तभी, और ये बैलेंस तभी हो पाएगा ना जब आप इस खिचड़ी से बाहर निकल आओगे, कि करना क्या है, चाहते क्या हो, और उस तरह का माइंडसेट बनाना, समझ रहे हो। अपने आप को पॉजिटिव बना लो, अपने माइंड को पॉजिटिव बना लो। अगर माइंड आपका नेगेटिव हो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि भाई नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा, जब बचपन से ये प्रॉब्लम है ना सबके, मतलब तो उसको ओवरकम, मुझे भी प्रॉब्लम होती है, मुझे भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है, बीच बीच में बोलना पड़ता है, खटखटाना पड़ता है, ये नहीं, ऐसा नहीं सोचना,
तो सबका इशू है ये, तो अपने आप को चेंज करो, एफिमेशंस दो, और आपके इस माइंडसेट में ना आपके एफिमेशंस बहुत जल्दी वर्क करेंगी, बिलीव मी, वही काम करेंगी यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ ना नाइट ऑफ सोर्स का भी कार्ड आया है, लेकिन उसके लिए आपको एक्शंस लेना शुरू कर देना है, अभी से ही शुरू कर दो। आई एम मनी मैग्नेट, पैसा मेरी तरफ खींचा चला हुआ आता है ईजिली, मैं बहुत ईजिली पैसा बना लेता हूँ अपने जीवन में, ठीक है, मुझे पैसे से प्यार है, ठीक है, पैसा मुझसे प्यार करता है, मतलब इस तरह की एफर्मेशंस। अभी कुछ लोगों को ये चीज़ें बचकाने लगे, अरे ये क्या चीज़ है, ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करो यही आपके माइंडसेट को चेंज करेगा, यही आपको सही ऊर्जा, सही चीज़ें क्या आपको मैनिफेस्ट करनी है उनको भेजने में, यूनिवर्स में मदद करेगा। ओके, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, पॉइंट पर आते हैं, ये तो आपकी ऊर्जा और आपके माइंडसेट की बात हो गई, यहीं इतना टाइम निकल गया, अब बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की, चाहे लव रिलेशनशिप हो, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आपके अदर रिश्ते हैं। देखो, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, देखो कुछ प्रेशर है यहाँ पर। ओके, ये महीने भी ना जैसे कि ऐसा लग रहा है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में ना किसी पर्सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। वेट गाइस, ओके, किसी पर्सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, या फिर कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, ओके, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, ठीक है, और ऐसा कोई इंसान आपके जीवन से इस महीने आपसे दूर जा सकता है, मतलब आपकी बेसिकली कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या तो वो इंसान दूर जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप उस सिचुएशन से, उस बर्डनड माहौल से बाहर आ जाएंगे। ये या तो कोई माहौल है, मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनिएगा, या तो ये कोई माहौल है, या फिर ये कोई स्पेसिफिक कोई पर्सन है ऐसा जिसकी वजह से आप बहुत प्रेशराइज फील कर रहे हो, जो आपको कंट्रोल या आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके रिश्ते को कंट्रोल में भी करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन समझ जाइए, मतलब मैं सिर्फ लव अफेयर्स की ही बात नहीं कर रही हूँ, ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, इन लॉज हो सकते हैं, या फिर कोई भी, देखिए अपने अकॉर्डिंगली, देखिए फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ऐसी ऊर्जा का मतलब अंत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, बस आपको एक्सेप्ट करना है, कुछ तो है, मतलब आपके जीवन से अंत होगा उस चीज़ का, ठीक है, लेकिन आपको ना उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना है। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ ऐसी ऊर्जा आ रही है, कोई टेम्प्रेरी इन द सेंस कुछ चीज़ है जो आपको परेशान करे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो चेंज है, ये जो सिचुएशन आपके जीवन से ख़त्म होगी ना, इससे आप थोड़ा सा हिलेंगे भी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब ये खुशी 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 वाली वाइब्स नहीं है कि ओहो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा ये सिचुएशन ख़त्म हो गई, मतलब किसी ना किसी लेवल पर ना ये आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि आप भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करोगे। फॉर एग्जांपल, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अभी किसी की ये सिचुएशन भी हो सकती है, बट मुझे नहीं पता है, मैं यहाँ पर वो स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जस्ट एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आप किसी जॉइंट फैमिली में रहते हो, ओके, लेकिन आपके वहाँ पे पारिवारिक रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या फिर वहाँ पर कुछ कोई ऐसा एक पर्सन है जिसकी वजह से आपके रिश्तों में आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, अब हो क्या रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन निकल रहा है, आप एक सिंगल फैमिली में बनने जा रहे हो, ठीक है, वहाँ से आप शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो होता है ना कि वो एक आराम, जो एक कंफर्टेबल जोन भी था आपका, जो आपको एक आराम भी वहाँ पे पहुँच रहा था कि चलो इतने लोग थे, सपोर्ट भी हो जाता था कई बारी, चलो बीच में प्रॉब्लम्स भी होती थी लेकिन सपोर्ट भी हो जाता था, तो वो सपोर्ट सिस्टम ख़त्म है, या फिर आप एक बहुत बड़े घर से एक छोटे घर में चले गए, ये प्रॉब्लम इशू आ गया, ठीक है, अब क्या है कि अपने तरीके से आदत नहीं है अपने तरीके से काम को करने की, तो अब वो अपने आप काम करना पड़ रहा है, वो इशू आ गया। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है गाइस, तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ, ये आपको एग्जाम्पल भी देकर बता रही हूँ कि कुछ ना कुछ इशू आ सकता है, मतलब वो चेंज, वो बदलाव हालांकि होगा आपके अच्छे के लिए, आपको किसी प्रॉब्लम में से, किसी प्रेशर, किसी स्ट्रेस से बाहर निकाला जा रहा है, जो आपकी सिचुएशन को या आपकी ज़िंदगी को बेसिकली कंट्रोल कर रही है, तो लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल भी रहेगा, ठीक है, उससे आप ऐसा नहीं है कि एक हैप्पी एंडिंग वाली वाइब्स आ रही है, मतलब उसमें होगा कि कुछ छूट रहा है, कुछ छूट भी रहा है,
ओके कि हम एक बहुत बड़े घर में रहते थे, अभी हमें छोटे घर में तब्दील होना पड़ रहा है, मतलब शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो वो एक होता है ना कि किसी एक सेंस पर वो भी है, सैडनेस भी आ रही है, ठीक है। तो ये उस चीज़ का भी दुख यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे कि यहाँ पर मे भी अभी फैमिली के साथ थे, कि वहाँ पर चलो सब मिल करके सब कुछ हो रहा था, अभी क्या है सिंगल में जा रहे हैं तो अभी सब कुछ खुद को करना पड़ेगा, तो वो वाला स्ट्रेस एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए, ठीक है। तो बेसिकली कुछ चेंज है, कुछ ख़त्म होगा यहाँ पर, कुछ नया स्टार्ट भी होगा यहाँ पर, नया इन द सेंस आप उस बदलाव से जाओगे, उस दौर से गुजरोगे ये महीने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की तरफ। देखो करियर में क्या है, मैं तो आपको साफ बताऊंगी यहाँ पर, करियर में तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके जीवन में, पर आपकी सोच क्यों ऐसी है गाइस? आप अपने आप को ना, मतलब आपको ना डिवाइन बोल रहे हैं कि देखो आप जो भी काम कर रहे हो एक्वेरियस, जो भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता आपको करियर चेंज करना है, मुझे नहीं पता आपको उसी करियर में मतलब उसी एग्जैक्ट उसी सिचुएशन में आपको कुछ करना है, कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन ना आप अपने आप को बांध रहे हो, आप खुल नहीं रहे हो। मतलब जो आपका दिल आपको बोल रहा है ना, आप वो काम नहीं कर रहे हो, आप उस तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो, आप अपने आप को जकड़ रहे हो, आप अपने आप को रोक रहे हो। और डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये ब्लेसिंग तभी आएगी आपके जीवन में जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगे, जब आप अपने आप को बांधोगे नहीं, जब आप उस बंधन से बाहर आओगे, समझ रहे हो, कुछ अलग करने के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं। अगर आप अपने करियर पाथ पर किसी चीज़ में खुश नहीं हो, इट मीन्स वो आपके लिए नहीं है। और आपके दिल, आपका दिल जो आपको कह रहा है, आपकी इंट्यूशन जो आपको कह रही है, जो आपका पैशन है, या फिर जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी पैशनेट हो, आपको वहाँ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पर है ना कि ये जस्ट एक उस वो वाली एनर्जी से, भाई हमारे घर में ना सब डॉक्टर्स ही हैं, तो मुझे भी डॉक्टर ही बनने को बोल रहे हैं, और मुझे बनना है, मतलब मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा कहीं और इंटरेस्ट है, या फिर मेरे घर में सब इंजीनियर्स हैं तो मुझे भी इंजीनियर बनने को बोल रहे हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कहीं और है, मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप अपने आप को ना जैसे कि अपने अंदर मन को मार रहे हो, अपने अंदर के वो जो पैशनेट एक इंसान है ना, आप उसको कुचल रहे हो, तो वो नहीं करना है। आपको बोला जा रहा है ये मंथ है उस तरफ आगे बढ़ने का, ठीक है, ऐसा होगा आपके साथ ये महीने, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप ये क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो ना उसमें वो अबंडेंस नहीं आपको मिल रही है, वो खुशी आपको नहीं मिल रही है, आप जैसे तरस रहे हो किसी चीज़ को, किसी चीज़ में जकड़े हुए हो, आप जकड़ा हो अपने आपको फील करोगे यहाँ पर ये महीने, ओके। अब कर लेते हैं हेल्थ की बात। देखो ये महीना पता क्या बता रहा है, आप बेसिकली आप अपने ही कम्फर्ट जोन को नहीं छोड़ रहे हो, और ये जो लास्ट ये वाले जो कार्ड्स हैं ना इस रो के फ्लावरिंग, ये बेसिकली माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है और क्वीन ऑफ पेंटिकल है ये, और ये जो है फोर ऑफ पेंटिकल है। फोर ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपने अपने आप को ना एक दायरे में बंद कर रखा है, आप उससे बाहर नहीं आ रहे हो। और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल ये आपका हायर सेल्फ है, आप चाहे मेल है या फीमेल है, देखो आपके लिए कन्फर्मेशन बता देती हूँ, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर इस डेक में किंग ऑफ पेंटिकल है। मेल हो तो किंग हो आप पेंटिकल के भाई, फीमेल हो तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो आपकी आपके पास वो पावर है कि आप इतना कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, अपने उस जोन को छोड़ दो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर आपका जो दिल आपको बोल रहा है, अगर कुछ रिस्क लेने की बात हो रही है, कोई कुछ ऐसा भी है जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा रिस्की तो रहेगा, तो रिस्क लेना है आपको, अबंडेंस ब्लेसिंग्स आपको वहीं मिलेगी, समझ रहे हो आप। और हेल्थ की अगर बात की जाए तो देखो हेल्थ, आप हेल्थ के लिए आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आप जितना दूसरों का भी ध्यान रखते हो ना, अपना भी ध्यान रखो, वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, दोनों तरीके से मैं बोलूँगी, अपना भी ध्यान रखो और दूसरों का भी ध्यान रखो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल बेसिकली वो मदर है जो सेल्फिश नहीं है। देखो जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, वो ऐसी ऊर्जा है जो सिर्फ देती देती है, वो लेती नहीं है, ठीक है, उसको बस देना है, वो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगी भाई। आप वो एक ऐसी ऊर्जा है कि अच्छा आप सब ये खा रहे हो, ठीक है मैं भी वही खा लेती हूँ, मेरी खुद की कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है जहाँ आप दूसरों की केयर, दूसरों की टेक केयर कर रहे हो, दूसरों का ध्यान दे रहे हो ना, अपना भी आपको देना है, इक्वल बैलेंस मेंटेन करके रखना है आपको, ठीक है, अपने अपने आप को उतना पावरफुल आपको समझना है। और अगर आपकी आदत है
चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, डजेंट मैटर, खासकर ये फीमेल्स के लिए है, लेकिन कुछ मेल्स भी यहाँ पर हो सकते हैं, मे बी आप एजड भी हों, ओके, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं. तो थोड़ा ना आपको, अगर आपको आप घर के अंदर ज़्यादा रहते हो या फिर आप वर्क फ्रॉम होम भी हो, मैं मेल्स की भी बात कर रही हूँ, तो थोड़ा घर से बाहर निकलें. ओके, घर से बाहर भी टाइम स्पेंड करना, ये सिर्फ मैं कुछ ग्रोसरीज वगैरह लाने ले जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, उसके अलावा भी अपने आप को पैम्पर करना, समय बिताना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, खासकर जो आपके बचपन के दोस्त हैं, ठीक है, तो उस पर उन पलों में भी आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है. ओके, अब बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की. तो स्पिरिचुअलिटी भी देखिए, स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर सन की भी ऊर्जा है. आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये मंथ ना, जितना आप स्ट्रेस में भी आ रहे हो, जितना प्रेशर से भी, जितना बदलावों से भी गुजर रहे हो, ये महीना चैलेंजेस से भी, बेसिकली ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, ठीक है. लेकिन आपके पास ना ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे ऐसे ऑप्शंस भी आपके पास आएंगे, ऐसे ऐसे रास्ते भी आपको समय समय पर मिलेंगे जिनसे आप होकर के गुजर सकते हो. बट उसके लिए आपको जो है ओपन रहना होगा, आपको अंदर से बैलेंस रहना होगा, आपको जरिए भी दिखेंगे अगर किसी समस्या में. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि अगर आप ऑलरेडी करियर वाइज किसी सिचुएशन में स्टक हो, तो माय डियर यहाँ पर आपको एक रिस्क लेने की ज़रूरत है, आपको अपने पैशन को फॉलो करने की ज़रूरत है. तो वो एक, जिसे कहते हैं ना कि वो अंदर से एक आपको ऊर्जा लानी ही होगी कि हाँ मुझे ये काम करना है. एक होता है ना कि ये सन की ऊर्जा है, हालांकि ये इनोसेंस का कार्ड है, बट ये सन का कार्ड है इसमें, जो कि बताता है कि बच्चा ना, अगर बच्चा, जैसे ये भी तो बच्चा ही है, उसको अगर कलर्स दिखते हैं तो वो इसमें ना एक एडवेंचर का कार्ड है. आई मीन इस वाले डेक में, आई थिंक नो, इसी डेक में है, ओशोज़र में ही एडवेंचर का कार्ड है. तो उसमें बच्चा ना वो देख रहा है, क्या कहते हैं, रेनबोज देख रहा है, रेनबो कलर्स देख रहा है, और वो बाकी साइड जगह पे अंधेरा है, लेकिन वो उधर जाता जा रहा है. जिन्हें पता होगा वो जानते होंगे वो कौन सा कार्ड है. निकल आता तो मैं आपको दिखाई देती, होप वो कार्ड दिख जाए मुझे. तो जैसे बच्चे होते हैं ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते हैं, वो डिवाइन पर विश्वास करते हैं, उनको अंदर से है कि हाँ मुझे कोई, तो मुझे यहाँ पे कोई हार्म नहीं है. तो इस वक्त बेसिकली आपको उसी ऊर्जा में टैप इन करने की ज़रूरत है, दोबारा से अपने अंदर के बच्चे से आपको बेसिकली कनेक्ट होने की, यहाँ होने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कनेक्ट हो. और एक ना वो रिस्क आप ले लो, अपने अंदर के जो क्रिएटिव साइड है ना, अपने अंदर का जो पैशन है, उससे आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है ये वक्त में. आई रियली डोंट नो यार, अभी तक कार्ड ही नहीं आया वो. ओके, आ जाएगा, ठीक है, मुझे आपको दिखाना है. ओके, ये रहा वो कार्ड, एडवेंचर. ये देखो, बच्चे डरते नहीं हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं. तो आपको भी इसी ऊर्जा में टैप इन करने की ये महीने ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन आपको वो पाथ दिखा रहे हैं. अब वो आप पे डिपेंड करता है, अब आप बहुत ज़्यादा दिमाग अपना चला रहे हो, लॉजिकल माइंड के माइंडसेट के साथ चल रहे हो, तो नहीं आप कर पाओगे. लेकिन हाँ, अगर जहाँ आपके अंदर वो एक पावर आई, क्योंकि एक रिस्क लेकर देखते हैं, यूनिवर्स अगर बोल रहे हैं तो कुछ तो बोल रही है ना, ये मुझे करना ही, इट मीन्स मुझे अंदर से भी आवाज़ आ रही है, तो मुझे चलना है उस पाथ पर. तो फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर, ठीक है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी इनर वॉइस को आप फॉलो करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है. ओके, अब बात कर लेते हैं चैलेंज क्या है. ये है चैलेंज आपके लिए, अपनी ग्राउंडिंग कीजिए. बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आप हो रहे हो, नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हो, ठीक है. आप अपने ऊपर डाउट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अपनी पावर पर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, आपको नहीं पता आप एक स्टार हो. ये जो स्टार कार्ड है ना, ये वो है जिसके अंदर वो पावर है, ये दुनिया में छा सकता है, ये स्टार की ऊर्जा है. और ये एक्वेरियस का ही स्टार है, आई मीन एक्वेरियस का ही कार्ड है, ठीक है. तो आपके अंदर वो पावर है. आप ना जहाँ, मतलब कोई कुछ नहीं कर पाए ना, वहाँ पर आप, मैं कहती हूँ ना ऑलवेज कि जो बंजर ज़मीन है आप वहाँ पर भी फूल उगा दोगे, ठीक है. आपके पास वो पावर है, तो अपनी उस पावर से साथ कनेक्ट हो. और वो पावर के साथ कनेक्ट होगे कब, ये चैलेंज है आपके लिए. अपनी ग्राउंडिंग करो, नेचर से कनेक्ट हो, ठीक है. नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, अपने आप पे डाउट मत करो, अपने आप को इस काबिल समझो, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है. और ओवरऑल गाइडेंस भी आपके लिए यही है कि प्रेजेंट में पहली बात तो रहो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर या पास्ट ओरिएंटेड मत हो जाओ कि पास्ट के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो कि आगे मेरी ज़िंदगी में कैसे चलेगा, कब चलेगा, मुझे अभी क्या करना है, मेरे लिए अभी क्या ज़रूरी है.
दोबारा से आपको अभी बच्चे बनने की ज़रूरत है। कोई बचपन का आपका कोई शौक या कोई पैशन हो सकता है जिसको आपको फॉलो करने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं, कह रहे हैं मत सोचो बहुत ज़्यादा आगे के बारे में, मत जो सोचो रिजल्ट क्या मिलेगा, उसका आउटकम क्या होगा, बस करना है आपको, वो एक रिस्क लेना है। डेफिनेटली वो पाथ ईजी नहीं है, ठीक है, वो एक्शन लेना ईजी नहीं है, लेकिन आपको वो लेने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं, क्योंकि अबंडेंस तो आपको वहीं मिलेगी। मे बी आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ये सेकंड ऑप्शन के तौर पर भी हो कि आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हो और एक और काम साथ में करना चाहते हो, अपने पैशन को भी फॉलो करना चाहते हो, जॉब भी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो उसके साथ अपने पैशन को भी फॉलो करना चाहते हो किसी भी तरीके से, ठीक है, तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ो, ठीक है। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस, आपके लिए और क्या मैसेज है, गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से जुलाई मंथ के लिए। ओके, इससे पहले मैं आपके लिए मैसेज निकालूं, मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। 15th और 16th जुलाई, ये जो जुलाई चल रहा है ना, 15th और 16th जुलाई को मैं 2 डेज़ की व्हाट्सएप वर्कशॉप लेकर के आ रही हूँ गाइज। ये व्हाट्सएप वर्कशॉप बेसिकली क्या है, मैं आपको इटालियन फॉक्सशायर्स सिखाने वाली हूँ। अभी इटालियन फॉक्सशायर क्या है, ये क्या करेंगे आपके जीवन में, देखिए मैं चाहती हूँ कि आप, अगर हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता है, चाहे रिश्तों को लेकर के हो, पैसों को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, करियर में डिसीजन नहीं बना पा रहे किस तरफ आगे बढ़ना है, क्या करना है, स्टक हो गए हो, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, रिलेशनशिप्स हैं आपके, लव लाइफ को लेकर के हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स है, ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, पार्टनर के साथ इश्यूज आ गए हैं, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, ओके, या फिर मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, फिजिकल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब्ड है, फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, और पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है आपकी, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हो, लीगल इश्यूज़ भी इवन चल रहे हैं, लोन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, देखो मैं कितना कुछ बता रही हूँ और क्या क्या बताऊँ, ठीक है, और कहीं से या लोन ले रखा है, लीगल इश्यूज़ हैं, या फिर कहीं के लिए वीज़ा अप्लाई कर रखा है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, एवरीथिंग गाइस, ये जो आप ज़रा ज़रा सी चीज़ों के लिए या फिर अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए भी आप बार बार टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हो, मुझे सॉल्यूशन दे दो, मुझे कुछ बता दो क्या होगा क्या नहीं होगा, एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप जाते हो, मैं चाहती हूँ इन समस्याओं को ना आप खुद सॉल्व कर लें और आप अपने अपनों को भी उनमें मदद करें, ठीक है, आप अपने अपनों को भी दें, डेफिनेटली आपको पता होगा तो आप अपने अपनों को भी बता पाएंगे, आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी बता पाएंगे, जो आपके आसपास लोग हैं आप उनको गाइड कर पाओगे कि आप ये कर सकते हो, इससे आप अपने जीवन को बदल सकते हो, ये इशू चल रहा है इसे चेंज करो, अपनी लाइफ को चेंज करो। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए, हालांकि मैंने इसके लिए ज़्यादा चार्ज नहीं रखा है, ऑलमोस्ट ये 799 ऑलमोस्ट 800 है, 800 है इसकी पेमेंट, और 2 डेज़ की वर्कशॉप है गाइस। अगर आप ये बेसिकली आपका जिसे कहते हैं ना लाइफ टाइम आपके लिए इन्वेस्टमेंट होगा कि एक बार आपने 800 खर्च किए हैं और आपके आपको अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए ना एक इन्वेस्टमेंट मिल गया है कि ओके मेरी ज़िंदगी में ना कभी भी कोई चीज़ दिक्कत आई मुझे ये चैंट करना है और मुझे मेरी लाइफ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व मुझे ये चैंट करना है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं, ठीक है, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम है चाहे वो छोटी है बड़ी है कुछ भी है, ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर के आना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो आप इस 2 डेज़ की वर्कशॉप आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पर ओनली मैसेज, क्योंकि मैंने अभी लास्ट रीडिंग में भी अपने बताया है कि मैंने 2-3 दिन में बहुत सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया है, 1, 2, 3 कितनी बार कॉल्स आते हैं, ओके, और जो 2 के बाद 3री बार कॉल आता है मैं डायरेक्टली ब्लॉक कर देती हूँ, ओके, तो कॉल्स अलाउ नहीं है, आप मैसेज कीजिए आपको सब कुछ मिलेगा, आप मैसेज कीजिए, पर्पस बताइए किस पर्पस के लिए आप मैसेज कर रहे हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके, और ये जो वर्कशॉप है ना ये लाइव वर्कशॉप नहीं है, चाहे आप जॉब करते हैं, आप बिजी रहते हैं पूरे दिन, आप हाउस वुमेन हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम है, चाहे कुछ भी इशू कुछ भी हो, पढ़ने वाले आप बच्चे भी क्यों नहीं हो, आपको ये आपके लिए लाइव नहीं रहेगा ये, ठीक है, मैं अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इन 2 दिन में आपको फॉक्सशायर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो कोर्स आपके साथ बेसिकली शेयर करूंगी, और आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप उन्हें लेंगे, ठीक है, और वो ऑलवेज़ आपके पास रहेगा, इजी टू डू है, कोई ऐसा नहीं है कि ये करना है वो करना है ये औषधियाँ डालनी है वो डालना है, इतने इतने से चैंट्स हैं, उन्हें चैंट कीजिए, अपने लाइफ में डिफरेंस लेकर के आइए अपनी और अपनों की ज़िंदगी में भी, ठीक है।
तो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो ओके हार्मनी, देखो आपके लिए ना अभी फिर से वो नाइन ऑफ सोर्ड्स वाली ऊर्जा निकली थी कि बहुत ज़्यादा आगे के बारे में सोच रहे हो एक्वेरियस। ओके लेट्स सी, और क्या मैसेज है गाइडेंस एक्वेरियस के लिए। थैंक यू माँ बाबा जी, प्लीज़ बताएं। ओके ये आना चाहते हैं दो कार्ड्स आपके लिए। ओके बॉटम ऑफ द देखे ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, मैंने बोला ना ये महीने तो है, इट्स ओके, सबके जीवन में होते हैं। पेशेंस, मैंने आपको बोला जितना आप फाइनेंसेस या फिर किसी जो भी चीज़ को लेकर के परेशान, मतलब खासकर फाइनेंसेस को लेकर के, उतनी बुरी हालत तो है नहीं गाइस, रिजल्ट तो मिल रहे हैं। हाँ उस हिसाब से नहीं है जितना आप एफर्ट डाल रहे हो, जितना आप कर रहे हो ना उस हिसाब से नहीं है। डिवाइन के लिए पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, और जो आपको गाइडेंस भी दिया जा रहा है ना उसको भी फॉलो करो, तभी काम बनेगा। ठीक है नेक्स्ट है यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेशन। मैंने आपको बोला यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम ही यही आ रही है गाइस, आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। देख लो यहाँ पर मैंने आपको बोला, यहाँ तो आपके लिए डायरेक्टली नहीं मदर गाया ही है। देख रहे हो ये बंदा कैसे कर रहा है मेडिटेशन, तो बस इसी तरीके से आपको नेचर से कनेक्ट होना है, मेडिटेट करना है, प्लांट्स ट्रीज़ को हग कीजिए। ठीक है आपके घर के आसपास कोई तो ट्री होगा, कहीं थोड़ा दूर ही क्यों नहीं हो, उसको हग कीजिए। क्यों बोला जा रहा है, आपकी ग्राउंडिंग होगी, बालों में तेल लगाना, ऑयलिंग करना, उससे ग्राउंडिंग होगी, गार्डनिंग करने से आपकी ग्राउंडिंग होगी, प्लांट्स को टच करने से, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करने से आपकी ग्राउंडिंग होगी। इस तरह का माहौल मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, चूज़ वाइजली। मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला था मैंने आपको ये, ओके तो ये महीना आपको ये भी बता रहे हैं भाई ऑप्शंस तो आएंगे आपके पास, रास्ते खुलेंगे आपके लिए, या मैंने आपको बोला यहाँ पर ओके रास्ते आपके सामने आएंगे। ये भी होगा कि जो कर रहे हो ये है या फिर कुछ नया है, आपको वाइजली चूज़ करना है, अपनी बुद्धिमानी को यूज़ करते हुए आपको यूज़ करना है, समझदारी से यूज़ करना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। ये देखो ये इंसान क्या कर रहा है, यहाँ पर मेडिटेट कर रहा है, और इसके हाथ भी देखोगे ना इसके हाथ ऐसे हैं, इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये जैसे कि डिवाइन से गाइडेंस मांग रहा है कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे पाथ दिखाइए। ओके तो फॉलो योर इंट्यूशन, ये महीने आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शंस भी आ रहे हैं, एंड कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। देखो जो हो चुका ना, जो जिस चीज़ में भी अगर आपको हार मिली है, या अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये काम मैंने करना था या फिर ये जॉब मुझे लेनी थी लेकिन ये मुझे मिली नहीं, इट मीन्स वो आपके लिए नहीं थी, आपके लिए कोई और रास्ता चूज़ किया जा रहा है। मे बी आप गलत राह पर जा रहे थे, गलत पाथ पर जा रहे थे, आपके लिए डिवाइन ने कुछ और खोज रखा हुआ है, आप उस पाथ पर चलो ना, आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। तो कहने का मतलब किसी हार से घबराना नहीं है, अपने आपको अपनी अंदर की लो को, अपने अंदर के पैशन को, फायर को बुझने नहीं देना, समझ रहे हो आप। अपने आपको ना जगाओ, अगेन मैंने आपको बोला आपके लिए स्टार है, आप स्पॉटलाइट के लिए बने हो, समझ रहे हो, और यहाँ देख रहे हो आप लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हो, यहाँ पे डिवाइन की लाइट ही, एक स्पॉटलाइट ही तो है कि देखो तुम जो कर रहे हो ना, तुम एक भेड़ बकरी चाल में चल रहे हो, समझ रहे हो, तुम अलग हो और तुम दुनिया में अलग दिखने के लिए बने हो, अलग कुछ करने के लिए बने हो, तो उससे कनेक्ट हो। तो डिवाइन आपको जैसे वो रोशनी दिखा रहे हैं, अगर कहीं आपका कोई काम बन नहीं रहा, कहीं आप गिर रहे हो, हार रहे हो, उसमें डिवाइन आपको वो रोशनी दिखा रहे हैं कि तुम यूनिक हो, तुम्हारा पर्पस कुछ और है, तुम यहाँ पे चमकने के लिए आए हो, तुम यहाँ पे फेमस होने के लिए आए हो, या फिर तुम्हारा कोई और पर्पस है, उस पर कनेक्ट हो, उस पर जागो, अपने अंदर की जो अंतरात्मा है उससे कनेक्ट होने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। ठीक है तो ये आपके लिए गाइडेंस है माई डियर। ओके एक्वेरियस ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो, मिले हैं तो प्लीज़ माय डियर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है या इंपॉर्टेंट मैसेज है तो आप उन तक पहुंचा पाएं, उनकी मदद कर पाएं। ठीक है और दोबारा से बताना चाहती हूं 15 और 16 जुलाई को जो है टू डेज़ की वर्कशॉप है गाइस, व्हाट्सएप वर्कशॉप, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।